हेलो एवरीवन, एक्स्ट्रा नॉलेज में आपका स्वागत है। यहाँ पर आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूजीसी नेट, जेआरए, पीजीटी व अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित प्रैक्टिस सेट मिलेगा। तो आज हम आपके लिए लाए हैं पीजीटी, जीआईसी और यूजीसी नेट में जो पाश्चात्य विचारक हैं कार्ल मार्क्स, इन पे चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले 16 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, उसे आप देख लीजिएगा। आज ये लेक्चर 17 है, जिसमें बात करेंगे कार्ल मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद और आर्थिक निर्णयवाद। तो आइए जानते हैं मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद क्या है। जैसे कि कार्ल मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद, तो इसकी जो व्याख्या है, ये इनकी पुस्तक है द जर्मन आइडियोलॉजी में प्रस्तुत की गई है। तो द जर्मन आइडियोलॉजी पुस्तक जो है वो कार्ल मार्क्स और एंजल्स द्वारा संयुक्त रूप से लिखी गई है, ठीक है। और कार्ल मार्क्स द्वारा प्रस्तुत सिद्धांतों में ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत एक प्रमुख सिद्धांत है। इसमें संपूर्ण विश्व के इतिहास को एक क्रांति के रूप में देखा गया है। यह मानव इतिहास की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। तो जो इनका ये ऐतिहासिक भौतिकवाद है, ये इतिहास की भौतिकवादी अवधारणा के रूप से भी जाना जाता है। और जो इनका ये ऐतिहासिक भौतिकवाद है, इसमें इन्होंने इतिहास को जो है विभिन्न युगों में बांटा है और प्रत्येक युग को जो है आर्थिक वर्गों में बांटकर पूरे समाज के इतिहास को समझने की कोशिश की है। तो जो ऐतिहासिक भौतिकवाद है, इसमें क्या किया है, इन्होंने इतिहास को आर्थिक रूप से समझने का प्रयत्न किया है। और जो तीसरा पॉइंट है कि मार्क्स ने ऐतिहासिक भौतिकवाद में इतिहास को आर्थिक दृष्टिकोण से देखने का सर्वप्रथम प्रयास किया है। मतलब आर्थिक दृष्टिकोण मतलब विभिन्न युगों में बांटा और युगों को क्या, आर्थिक वर्गों में बांटा है, ठीक है। और इन्होंने इतिहास को विभिन्न युगों और आर्थिक वर्गों में बांटा है, जो कि लिखा भी हुआ है। और ऐतिहासिक भौतिकवाद दार्शनिक विचार ना होकर एक अनुभाविक सिद्धांत है, जो समाज की विकास की व्याख्या विभिन्न युगों के माध्यम से करता है, ठीक है। तो इसमें बात की गई है कि समाज का विकास जो होता है वो उन भौतिक परिस्थितियों के फलस्वरूप होता है जिसमें मनुष्य रहता है, ठीक है। और ये भौतिक परिस्थितियां ही सामाजिक संबंधों का निर्माण करती हैं, तथा इनकी जो प्रकृति होगी भौतिक संबंधों की, वो गतिशील होती है। और इन परिस्थितियों में होने वाला परिवर्तन ही युग परिवर्तन लाता है, ऐसा ऐतिहासिक भौतिकवाद जो कि एक अनुभाविक सिद्धांत था उनका मानना है, मार्क्स का। और जो इनका ऐतिहासिक भौतिकवाद है, अगर इसके सार तत्व के रूप में इसको समझने की व्याख्या करें, तो कार्ल मार्क्स का कहना था कि सबसे पहले किसी भी इतिहास की व्याख्या किस पर निर्भर करती है। तो पहला पॉइंट दिया है कि जीवन एवं जीवित रहने के लिए आवश्यक भौतिक वस्तुओं, मूल्यों के उत्पादन और पुनः उत्पादन पर ऐतिहासिक विकास पर निर्भर करता है। तो इसमें इन्होंने बात की है कि जैसे कि जो आर्थिक या समस्त इतिहास या समाज का जो मूल तत्व होता है, वो दो बातों पर निर्भर करता है। पहला, जीवित रहने के साधनों, जैसे कि भोजन, वस्त्र और मकान का उत्पादन। और दूसरा, इन्होंने बताया कि बच्चों का उत्पादन, ताकि जो मृत और अशक्त लोग हैं वो रिक्त स्थानों की पूर्ति करके समाज की निरंतरता को बनाए रखें। और दूसरा पॉइंट है, मानव अस्तित्व के लिए सर्वप्रथम उसका जिंदा रहना आवश्यक है, और इसके लिए भोजन, वस्त्र और आवास सर्वप्रथम आवश्यक है। तीसरा, इन्होंने बताया अपने ऐतिहासिक भौतिकवाद में कि सर्वप्रथम ऐतिहासिक कार्य उन साधनों का उत्पादन करता है जिसमें भोजन, वस्त्र, आवास आदि की आवश्यकताओं की पूर्ति भी होती रहती है, ठीक है। और इस कारण एक समय विशेष में जीवित रहने के लिए भौतिक साधनों को जिस सीमा तक हम प्राप्त करते हैं, और इसमें इतिहास में सभी प्रकार के प्रमुख परिवर्तन उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन के कारण हुए हैं, और इतिहास का विकास का विचार आत्मा या आदर्श पर आधारित ना होकर, बल्कि उसका आधार समाज के आर्थिक जीवन, उत्पादन शक्ति और उत्पादन संबंध पर आधारित है। तो इसमें इन्होंने बताया कि समाज जो होता है वो इन्होंने कई युगों में बटा होता है, और जब कई युगों में बटा होता है तो उनके आर्थिक वर्ग भी होते हैं, और ये आर्थिक वर्गों में परिवर्तन होता है, और तब एक विकास दूसरे विकास में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। और इन्होंने बताया कि भौतिक मूल्यों के उत्पादन क्रिया में सबसे आधारभूत और सबसे अधिक आवश्यक है, सबसे अधिक सामान्य ऐतिहासिक घटना है, इतिहास का निर्माण असंख्य साधारण व्यक्तियों द्वारा हुआ है। तो इनका मानना था, जैसे कि
आपको बता दें कि बाउअर भाई जो थे ये एक इन मार्कस ने इनकी विचारों की आलोचना की है, ठीक है। तो बाउअर भाइयों के जो विचारक थे वो इस बात में विश्वास रखते थे कि इतिहास का जो निर्माण होता है वो कुछ गिने चुने लोगों के हाथों में होता है, लेकिन मार्क्स थे वो इन्होंने ऐतिहासिक भौतिकवाद के द्वारा ये पेश किया कि इतिहास का वास्तविक निर्माता जो होती है वो साधारण जनता होती है। यही इन्होंने अपने ऐतिहासिक भौतिकवाद में बताया। और जो ये जनता होती है ये कई युगों में होती है, फिर कई इनके उत्पादन, जैसे कि इतिहास तभी विज्ञान बनेगा जब उत्पादन प्रणाली तथा उससे संबंधित सामाजिक व राजनैतिक संस्थाओं, कला, धर्म, आचार, दर्शन या इसके साथ साथ भौतिक मूल्यों का उत्पादन करने वाली मेहनतकश जनता होगी, तभी इतिहास बन सकता है, ठीक है, इनका ये मानना था। आप जानते हैं विभिन्न युगों में भौतिकवादी व्याख्या, तो जो मार्क्स थे इन्होंने जो है अपनी इतिहास की जो व्याख्या है वो उत्पादन प्रणाली को अत्यधिक महत्व दिया है, ठीक है। जो इनका ऐतिहासिक भौतिकवाद है इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण उत्पादन प्रणाली को दिया है, और वो उत्पादन प्रणाली में उत्पादन के से संबंधित जो व्यक्तियों के संबंध होते हैं उनको इन्होंने महत्व दिया है, ठीक है। तो इनके मतानुसार या इन्होंने ये बात कहा है कि ऐतिहासिक कार्य अपने को जीवित रखने के लिए सबसे आवश्यक है भौतिक मूल्यों एवं वस्तुओं का निर्माण करना, मतलब भोजन, वस्त्र और इन सब चीज़ों का निर्माण करना। ऐतिहासिक निर्माण जो होता है वो बाद की बात होती है। व्यक्ति सर्वप्रथम जो होता है वो क्या करेगा, भोजन, वस्त्र, निवास स्थान की आवश्यकता होती है, और वह क्या करता है, इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयत्न करता है, और यही मानव इतिहास का आदि सर्वप्रथम कार्य आधारभूत घटना होती है, ठीक है। और यह कार्य इतिहास में बनने से पहले बहुत पहले का है, मतलब बहुत पहले से लोग इन सब चीज़ों की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील रहे हैं, और इन्हीं प्रयत्नशील के बाद धीरे धीरे युगों का निर्माण हुआ है, और युगों में आर्थिक वर्ग का निर्माण हुआ है। तो अब इन्होंने जो युग बताए हैं उसको भी जानते हैं। जैसे मार्क्स के अनुसार उत्पादन प्रणाली के प्रत्येक परिवर्तन के साथ लोगों के आर्थिक संबंध एवं सामाजिक व्यवस्था आदि में भी परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। उत्पादन प्रणाली के आधार पर इन्होंने बताया कि जो लोग हैं उनके बीच में आर्थिक संबंध और सामाजिक व्यवस्था में भी परिवर्तन होता है। उन्होंने इस दृष्टिकोण से मानव इतिहास को 5 युगों में विभाजित किया है। पहला युग इन्होंने बताया आदिम साम्यवादी युग, दूसरा बताया दासत्व युग, तीसरा सामंतवादी युग, चौथा पूंजीवादी युग तथा 5वां समाजवादी युग। तो मार्क्स का यह कथन है कि इनमें से ये 3 युग समाप्त हो चुके हैं। चौथा युग चल रहा है, मतलब आदिम साम्यवादी युग, दासत्व युग और सामंतवादी युग, ये 3 युग समाप्त हो गए हैं। चौथा मतलब पूंजीवादी युग चल रहा है और 5वां अभी शेष है, ठीक है। तो आइए इस चीज़ के बारे में विस्तृत रूप से जानते हैं। जैसे कि आदिम साम्यवादी युग, तो यह युग इतिहास का प्रारंभिक युग या सबसे पहला युग था। इस युग में उत्पादन के साधनों के किसी व्यक्ति विशेष का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का इसमें अधिकार होता था। उत्पादन और वितरण साम्यवादी ढंग से होता था। उत्पादन के साधनों पर तथा उनसे मिलने वाली वस्तुओं पर सबका अधिकार होता था, और उस समय उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत अधिकार की धारणा का अभाव था, इसलिए वर्ग प्रथा यहाँ पे नहीं पाई जाती, ना ही किसी प्रकार का शोषण था। तो ये एकदम प्राचीन काल की बात की जा रही है, जहाँ पे लोग पहले क्या करते थे, पत्थर के औजार, फिर धीरे धीरे क्या किए, तीर धनुष का उन्होंने निर्माण किया, फल मूल इकट्ठा करते थे, पशुओं का शिकार करते थे, ये सब प्राचीन काल में होता था, ठीक है। और जंगलों से फल इकट्ठा करने, पशुओं का शिकार करने, मछली मारने या किसी न किसी प्रकार से घर बनाने के लिए, इन सब में सभी लोग मिलजुल कर कार्य करते थे। और जब कोई चीज़ तैयार हो जाती या जैसे कि फल मिल गया तो वो सभी लोग बांट करके खाते थे, तो एक चीज़ पर सभी लोगों का इस पर अधिकार होता था, ठीक है। तो यहाँ इस काल में यह जो आदिम साम्यवादी युग है इसमें वर्ग प्रथा नहीं थी और ना ही कोई एक दूसरे का शोषण करता था। फिर दूसरी युग आया दासत्व युग। युग का आविर्भाव में दास व्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन के साधनों पर दास के मालिकों का अधिकार हो जाता था, साथ ही उत्पादन के कार्यों को करने वाले श्रमिकों अथवा दासों का भी अधिकार होता था। इस युग में निजी संपत्ति की धारणा विकसित हुई। तो जो निजी संपत्ति की अगर बात की जाएगी तो दासत्व युग में विकसित हुई, तथा संपत्ति कुछ लोगों के हाथों में
अधिक अधिक एकत्र होने लगी और संपत्ति के अधिकारी इन अल्पसंख्यक ने बहुसंख्यक को दास बनाकर रख दिया। तो मतलब संपत्ति कुछ लोगों के पास होने उस समय स्टार्ट हो गई और बहुत सारे लोग दास बन गए। इस प्रकार समाज में दो वर्गों का विकास हुआ, एक दास और दूसरा मालिक। और शोषक और शोषित वर्गों के बीच में संघर्ष भी स्वाभाविक था। तो जब वर्ग बनेगा तो जाहिर सी बात है शोषण भी होगा और उनके बीच में संघर्ष भी होगा। तो दासत्व जो युग था यहाँ से वर्गों का विभाजन हुआ और शोषण भी बढ़ा। ठीक है, अब तीसरा युग आया सामंतवादी युग। तो इस तीसरे युग को सामंतवादी युग कहा गया। इस युग में उत्पादन के साधनों पर सामंतों का आविष्कार होता था। ठीक है, ये सामंत उत्पादन के साधनों विशेषता भूमि के स्वामी होते थे। गरीब अर्धदास किसान इन सामंतों के अधीन होते थे। तो इसमें जो होता था कि उत्पादन का कार्य भूमिहीन किसानों से करवाया जाता था। किसान दास ना होकर उन पर अनेक प्रकार के बंधन होते थे और इन्हें सामंतों की भूमि पर जुताई बुआई आदि बेकार के रूप में करनी पड़ती थी और युद्ध के समय उनको सेना में सिपाहियों के रूप में भी काम करना पड़ता था। तो और इन सब के बदले सामंतों ने क्या किया, उनकी निर्वाह के लिए भूमि जो मिलती थी, निजी संपत्ति की जो धारणा प्रबल हुई वो इसी में कि जो भूमि पे के स्वामी होते थे वो कौन होते थे, वो सामंत होते थे। और जो किसान होते थे या अर्ध गरीब लोग होते थे उनसे उसकी जुताई बुआई कराते थे और उसके बदले में उन्हें बेगार देते थे। तो इसमें क्या हुआ, इसमें दो लोग गुटों का में विभाजन हुआ, एक सामंत मतलब जिन जो भूमि के जिनकी होती थी और एक गरीब या अर्धदास किसान मानते थे। और चौथा युग जो कि इस समय चल रहा है इनका मानना है पूंजीवादी युग। तो चौथा युग आधुनिक पूंजीवादी युग हुआ। इस युग का प्रादुर्भाव मशीनों के आविष्कार और बड़े बड़े उद्योग धंधों के जन्म के फलस्वरूप हुआ और इस युग में उत्पादन के साधनों पर पूंजीपतियों का अधिकार होता है और उत्पादन के कार्य करने वाला दूसरा वर्ग वेतनभोगी श्रमिक व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र होते हैं। समाजवादी और साम्यवादी युग आगमन का पथ प्रशस्त होगा। तो ये जो पूंजीवादी युग था इसमें क्या होता है, इसमें उत्पादन के कार्य जो होंगे, बड़े बड़े जब उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे तो उसमें जाहिर सी बात है कि श्रमिकों की आवश्यकता पड़ेगी। और जो श्रमिक जो होते हैं उनमें पूंजीपति क्या होते हैं, उनका जब बहुत ज़्यादा शोषण करने लगेंगे, ऐसा कार्ल मार्क्स का मानना है, तब क्या होगा, ये श्रमिक वर्ग एक गुट हो जाएंगे, उनका एक समूह बन जाएगा और एक बड़ी क्रांति का रूप होगा। और उसके बाद समाजवादी या साम्यवादी युग का पथ प्रस्त होगा। तो ये इनका मानना था। फिर जो अधिक आधुनिकतम युग है, जो पांचवा युग इन्होंने बताया, समाजवादी या साम्यवादी या सर्वहारा रूप से वर्गविहीन राजविहीन और शोषण रहित होगा। तो इन्होंने बताया कि ये जो युग आएगा इसमें ना तो कोई वर्ग होगा और ना ही किसी का शोषण होगा। तो एक इन्होंने ऐसे कल्पना की है समाजवादी या साम्यवादी युग की। आप जानते हैं कार्ल मार्क्स का आर्थिक निर्णयवाद या निश्चयवाद क्या है। तो इसमें जो पहला पॉइंट है ये लिखा है कि कार्ल मार्क्स ने अनेक मुद्दों पर अपना लेखन कार्य किया है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष, सामाजिक परिवर्तन, अतिरिक्त मूल्य वर्ग शोषण, पूंजीवाद या श्रमिकों के अलगाव, ये सभी जो मुद्दे हैं इन सभी सिद्धांतों में एक बात कॉमन है, वो क्या है, एक आर्थिक तत्व। ठीक है, और इन सभी सिद्धांतों में दो सिद्धांत जो हैं, ऐतिहासिक भौतिकवाद और सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत, इसमें जो महत्वपूर्ण स्थान है वो इन सिद्धांतों के बीच में निर्णयवाद की व्याख्या की गई है। ठीक है, और जैसे कि ऐतिहासिक भौतिकवाद में मार्क्स मानव इतिहास को 5 क्रमों में विभाजित किया है, जो कि ऊपर बता चुके हैं कि ये जो 5 क्रम हैं वो हैं आपका पहला आदिम साम्यवादी, दूसरा दासत्व युग, तीसरा सामंतवादी, चौथा पूंजीवादी और पांचवा समाजवादी। तो इन्होंने ये 5 युग बांटे हैं और इन युगों के आधार पर आर्थिक क्रियाओं का भी आधार तय किया है। ठीक है, और मनुष्य का आर्थिक जीवन 3 क्रियाओं से संबंधित होता है, पहला उत्पादन विधियां, दूसरा उत्पादन की शक्ति और तीसरा उत्पादन संबंध। ये तीनों क्रियाएं मिलकर एक भौतिक परिस्थिति का निर्माण करते हैं जिससे
पूरी भौतिक प्रक्रिया चलती है और इन परिस्थितियों के आधार पर ही मनुष्य का आर्थिक जीवन निर्धारित होता है और यही आर्थिक निर्णयवाद है। तो इन्होंने जो बताया है आर्थिक निर्णयवाद को, अगर संक्षेप में समझे तो इन्होंने आर्थिक निर्णयवाद का दो जो इनकी सिद्धांत है, ऐतिहासिक भौतिकवाद और सामाजिक परिवर्तन, इसमें विशेष रूप से देखने को मिलेगा। और जो ऐतिहासिक भौतिकवाद है इसमें इन्होंने युगों में बांटा है और युगों को आर्थिक वर्गों में बांटा है और समझाने का प्रयास किया है कि जो मानव का जीवन होता है, मानव की जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं वो तीन क्रियाओं से संबंधित होती हैं, उत्पादन की विधियों से, उत्पादन की शक्तियों से, उत्पादन के संबंध से। और ये जब तीनों क्रियाएं एक रूप में चलेंगी तो एक आर्थिक परिस्थिति का निर्माण होगा जिससे सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी और यही जो मनुष्य के आर्थिक जीवन का निर्धारण करती है और यही उन्होंने आर्थिक निर्णयवाद बताया है। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा हमारा लाइव लेक्चर। प्लीज़ अगर कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। And thank you for watching my channel.